गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू इवियन नानाज व्लॉग। सो हम गुड मॉर्निंग अगर ना बोले, वैसे हम शूट कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो इसलिए बोल दिया गुड मॉर्निंग, लेकिन जब आप ये व्लॉग देखोगे तो उस टाइम बोला होगा गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग गाइस, और यहाँ चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, तो मिलवाते हैं आपको। हमारे घर कल कोई आया हुआ था ना, उससे भी और ऑफकोर्स नानो से और ढोलो से। देखो Hey guys, happy छोटी दिवाली। नया लाइन बोलिए इसमें। अरे ये तो कल देखेंगे ना। Happy दिवाली। Happy दिवाली guys। यहाँ चल रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है आज ब्रेड बटर और ये टोस्टेड ब्रेड है। टोस्टेड ब्रेड एंड दूध रोटी की शक्ति। ये है मिल्क बिकेस बिस्किट जिसमें दूध रोटी की शक्ति। तो नानू खा रही है दूध रोटी की शक्ति और इससे होगी मोटी। ये चीज ये वेफर्स खा रही है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। देखो देखो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फोन बज रहा है। यस ये वही बात। तो जब आप ये व्लॉग देखोगे उस दिन है बड़ी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली गाइस। और आज है जैसे हम शूट कर रहे हैं उस दिन है छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और एंड में विश करेंगे अच्छे से। हम कर छोटी दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। अब आप एंजॉय करें बड़ी दिवाली। तो अभी रुको, मिलेंगे, सारी बातें करेंगे, पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। रुपया करके पटाखे अपने आप को नहीं जलाएं। सारा हो चुका है ब्रेकफास्ट और अब हमारी दुगू मैडम जा रही हैं घर। और दिवाली मनाने उसको हमने ये दिया है, दिखाओ खोल के। ये दिवाली गिफ्ट। हां तो खींचो, दिखाओ इसको क्या दिया हमने। और मेरा नानू नहीं दी, ये दिया है सनफ्लावर। Wow, what a line, baby. और ये क्या कर रही है तू? ये दिवाली की, ये भी दिया, ये बर्थडे की। देखिए गाइस इसकी शक्ल कैसी लग रही है, बहुत पारी। पीका हो, पीका हो, आ रही है, बाहर से आ रही होगी। नानू की जल्दी लगता है। तो ये जा रही है अपने घर और क्योंकि आज है छोटी दिवाली, उसको अपने घर पे सेलिब्रेट करना है। और मम्मी वगैरह हमारे साथ नहीं रुकना चाहती। नहीं वो आज हमारे लिए मतलब कल आ रही तो बहुत बड़ी बात है, हमारे पास कोई तो आया पागल। तो हम इसे टाटा बाय बाय कर देते हैं, फिर देखते हैं कि आज हमें और क्या करना है, क्योंकि आज भी हमें लाइटिंग करनी है। हमने अपने रूम में लाइटिंग नहीं करी है और हमारी विंडो भी लाइट नहीं हुआ है, तो वो हम पूरा करेंगे सब। मेरा नाम ढूंढ लेना ठीक अगर हुआ तो। मैंने लगवाई है मेहंदी, काफी टाइम बाद मैंने मेहंदी लगवाई है। तो 3 साल बाद मैंने मेहंदी लगवाई है, ये देखिए। तो हम अभी घर पहुंचे हैं और अभी मेहंदी लगा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद घर की सफाई होगी क्योंकि घर पूरा फैला पड़ा है अभी हमारा। और नानू अम्मी दे रही है ढोलू को खाना। और मैंने अपनी मेहंदी में ना देख लेना कुछ है, नहीं बताऊंगी मैं, अगर आप देख सकते हो तो। थोड़े से चंपू लग रहे हैं हम अभी क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर और ऐसे ही आए हम लोग। गर्मी और ट्रैफिक इतना भर के है ना। पर एनीवेज अब जो थोड़ा बहुत हमारा काम घर का लाइटिंग थोड़ी बहुत जो रह गई है वो आज हम करेंगे और पूरा डेकोरेशन के साथ आपको दिखाएंगे। नहीं नहीं, एक और चीज, कल के व्लॉग में जो आपको धनतेरस की थोड़ी बहुत हमारी शॉपिंग दी गई है ना भाई, आपको शॉपिंग के टाइम पे कुछ इतना दिखेगा नहीं, बट ट्रैफिक इतना था कि मतलब आप फोन तो मतलब हाथ में भी लेके नहीं चल सकते, इतना ज्यादा रश था। क्या अच्छा लग रहा है? चलने लायक भी नहीं। बताओ आपकी मेहंदी लग रही है, मेरे को तो अच्छी लगी, तुझे क्यों लग रही है? मेरे को डिजाइन उतना अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, मैंने बहुत टाइम बाद लगे तो मैंने को बहस करने का कुछ मूड नहीं लगे चीजें भी। अच्छी लग रही है, टाइम भी नहीं था वहाँ पे, मतलब हो ही नहीं रहा था, हमको नींद भी आ गई थी। शाम को सूट ही पहनूंगी, आज की सूट पहनी, छुट्टी दिवाली है बाबू, फीलिंग तो लेंगे त्योहार की। वैसे भी इस बार हमारे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी, हम खुद से तो फीलिंग लेंगे ना। मिली हमारे लाइट वाले डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू कि हमने कितने सारे लाइटें लगा दिए घर में। ओके और नानू ने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी पूरे घर में लाइट लगाने में, तो अभी दिखाना तो बनता है ना। और हम लोग फ्लावर वाले डेकोरेशन करेंगे कल, मतलब दिवाली वाले दिन एग्जैक्ट, बड़ी दिवाली वाले दिन। आज है छोटी दिवाली तो हमने लाइटिंग करी है। और चलो स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी आप हमारे घर भी टूर भी हो जाएगा आपका फटाक वाला। तो ये जो है ये है हमारे घर का मेन डोर, और जब यहाँ से एंट्री करते हैं तो दिखता है ये। तो ये हमारा सोफा वाला मतलब लिविंग एरिया, और वहां से एंट्री करते हैं हम अपने रूम के लिए।
तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर जो हमने डेकोरेट किया है। मैं पूरा ये वाला हॉल दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ये पूरी लाइटिंग वाइटिंग हो गई है ब्रो अच्छी वाली। वो मंदिर के साइड में लगाई है और हम लोग अपना मंदिर वहाँ बनाते हैं दिवाली का, तो वहाँ पे पूरा डेकोरेशन होगा कल। ठीक है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर, जा रहे हैं अंदर, जा रहे हैं अंदर। तो हाँ, वैसे मैं आपको बता दूँ हमारा ये भी एक रूम है जिसमें हमारी फ्रेंड रहती है, तो वो अभी आपका अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही है तो इसलिए वो रूम बंद है। ऑलरेडी हम ये रूम दिखा चुके हैं, ये वाला रूम हमारा रूम। तो हमने बेड के साइड में लाइट हमने पहले भी लगा रखी थी, तो अभी तो ये हमारा किचन है, मतलब किचन वाला जो एरिया है वहाँ पे हमने लगाया। ये हमारा जो लव वाला एरिया, ये हमारी एक प्यारी सी लाइट है जो हम लेके आ रहे टच वाली। नानू क्या कर रही हो तुम? इलेक्ट्रिशियन बना हुआ। आज नानू ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिशियन बनी हुई है वो। और ये हमारे ढोलू बच्ची नूनी मम्मा की इलेक्ट्रिशियन बनी हुई, जिसकी वायर तूने तोड़ दी। वायर मैंने तोड़ दी है एक वायर, इसकी विंडो पे ना एक वो लगी हुई थी, मैंने ना गलती से ज़्यादा बंद कर दी विंडो तो वो टूट गई वायर। अब हम क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रिशियन है हमारे घर में, सही कर देंगी। क्या इलेक्ट्रिशियन भैया कर दोगी सही? जी मैडम जी, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। एक्स्ट्रा पैसे मांग रही गाइस ये। और ढोलू, ढोलू को ना थोड़ी सी डर लग रही है आज, पटाखे फूट रहे क्योंकि, तो हमने विंडो बंद कर दिया अभी। चना हैप्पी दिवाली डॉस्कर की तरफ से भी गाइस आप सबको। नोना बस बच्चा, बस 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 नोना बस नोना बच्चा। गाइस आज की पूजा हो चुकी है और ये है आज नानू का लुक। आज नानू ने कुर्ता पहना है। नानू दिखाओ दूर से जरा। तो दिवाली है जैसे, और हमने डेकोरेशन ऑलरेडी कर चुके थे, पूजा कर चुके हैं, अब हम खाना भी खा चुके हैं। और जैसे दिवाली के वाइब्स है, और दिवाली के वाइब्स में पत्ते ना हो जाए तो हम पत्ते नहीं खेलते बाय द वे, तो हम खेलते हैं ऊनो। तो दिस इज काइंड ऑफ अ रिचुअल फॉर अस कि हम पत्ते नहीं खेलते, तो हमारे हम मस्ती के लिए लाइक गेम्स होना चाहिए, फन होना चाहिए, तो हम खेलते हैं ऊनो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस ऊनो में क्या होने वाला है नानू? ट्रुथ एंड डेयर। जो हारेगा वो डेयर करेगा। ट्रूथ एंड डेयर, नो ट्रूथ। क्या करेंगे हम साथ में? हमें देखो गाइस, हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। आपके क्वेश्चंस उठाने के लिए हम एक ब्लॉग बनाएंगे, तो अब भी ट्रूथ बता के कोई मतलब नहीं है। एक दो ट्रूथ तो वो हम आपके बता देंगे, तो हम सिर्फ आज करेंगे मस्ती थोड़ी सी। और मुझे पता कि मैं उनमें हारती बहुत हूँ, तो ये मेरे से डेयर कराएगी। या मुझे डेयर देने नहीं आते, यही तो बात है। यहां पे एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, जो डेयर करेंगे। और बेस्ट पार्ट, यहां पे दो दो उनो मिक्स कर रखी है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम कौन सा ज्यादा पत्तों वाला खेलते हैं? हम पहला गेम कितने पत्तों वाला खेल रहे हैं? हम 11 से स्टार्ट करते हैं। पत्तों नहीं, कार्ड्स वाला। 11 तो 11 कार्ड्स वाला हम गेम खेलेंगे। तो 11 मेरे पास, 11 उसके पास। और गाइस जिसको उनो खेलना नहीं आता है तो वो समझ लो कैसे खेलते हैं, हम अभी नहीं बता रहे, अभी यूट्यूब पे देख के समझ लो। चलो हम प्ले करते हैं। हाँ नानू चीटिंग ना करते हुए बांट रही है उनो के पत्ते। ऐसा नहीं लग रहा, देखो खेलती थी बचपन में, वहां पे सबको खिलाती थी। गाइस ये है मेरे पत्ते, मेरे पत्ते उसके तो आपने देख ही लिए। अब हम करते हैं गेम स्टार्ट। इसने अपना पहला पत्ता फेंक दिया है। यहाँ गेम खत्म करते हुए रिवर्स उठाओ। यार पहला गेम हम जीतते हुए बुरी तरीके से। हारने के टाइम में बहुत गुस्सा करती है। पूरा गला जल गया मेरा तो। कौन पीता है ऐसे? वो लोग कैसे पी लेते जो बॉटल में दारू पीते हैं? कौन करता है दारू का? तो कोई भी कर ले। इसलिए तो कोल्ड ड्रिंक रखी हो। तब होते हैं तीन गेम भी खेलेंगे हम। तीन गेम खेलेंगे तीन गेम में से देखेंगे देर देर किसके साथ इसके ही होंगे। मैं हार गई। दूसरा गेम ये जीतते हुए वो भी सड़ा समूह बनाते हुए, पता नहीं क्या है, जीतने के बाद भी ऐसा गंदा समूह बना रहती है। क्योंकि गाइस मैंने इसको बोला अपने पत्ते दिखा, लास्ट के तीन चार पत्ते थे, अगर दिखाए थे तो कुछ हो जाता। जो हार गया वो तो दिखा ही सकता है आराम से। वो भी तब जब इसको मैंने तीन बार पूछा, ये जानबूझ के ना मेरे साथ ऐसी चीजें करती है कि मेरे को गुस्सा आता है फिर इसके ऊपर। और दिखा तो क्या होता उसमें? क्या होता है? तो क्यों नहीं दिखाया? दिखा दिया तो क्या होता? तो क्या होता? हां तो क्यों नहीं दिखाया? वही तो बोल रही हूं। क्यों नहीं दिखाया? इसका डायरेक्ट ही डांस
डांस करेगी पूरे पूरे एक लाइन पे अच्छे से, और मैं वीडियो शूट कर पॉसिबल ही है। मैं अपना डेयर लेने से मना करता हूँ। तीन गेम्स के राउंड रखे थे जिसमें से दो गेम मैं जीते और एक गेम ये जीती, तो मैं रनर हुई। परिस ने एक भी डेयर नहीं किया तो ये गंदी लड़की है। तो वो फाइनल अब दूसरे का तो इसने डेयर किया नहीं है, अब तीसरे का भी करेगी कि नहीं पता नहीं। देखते उसमें इसको हील्स पहन के यहाँ से लेके यहाँ तक वॉक करके आना है। क्यों मेरे पैर तोड़ने पहले पहनते कैसे वॉक करके आ जा। हाँ मेरे को उठा पहले, मेरे को डर लगता है। वॉक ही करना बाबू। मुझसे बहुत बुरी तरीके से ऐसा बदला लिया। एक गेम मैं के जीत गई, दो गेम जीत गई, और ऐसा डेयर के बाद ये लड़ाई वड़ाई कर ली। उसके बाद मेरे को दूसरा डेयर ऐसा दिया कि मैं अपने पैर तोड़वा लूं। ठीक है, आज तक जो हरकतें कभी नहीं की है, ऐसा मत दिखा लोगों को, आज तक जो हरकतें कभी नहीं की है वो हरकतें करा रही है। और उसके बाद बोलती है कि जा अपने पैर तोड़वा ले, तेरे साथ चलना ऐसे भी नहीं पसंद है मुझे, अभी बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा मुझे। नहीं मैं बताती हूँ, इसने दूसरा डेयर तो किया नहीं जिसमें था इसको डांस करना था। ठीक है, डांस हो यार, नाचता कौन है, क्यों नहीं नाचते, मारिए मेरे को ये गाइस, तुम्हारी वो क्या ऐसे ऐसे कर लेती, कुछ भी भंगड़ा पा लेती ऐसे ऐसे, देखो अभी भी तो कर रही है। पर एक गाने पे डांस करना था, मतलब एक लाइन में देती उस पे डांस करना था। वो मैंने बोल दिया ना मैं नहीं लेना, बस नहीं। हाँ दूसरा लिया ना, किया ना, तो तीन थे ना, तीन में से एक मैंने किया, पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक पिला दी इसने मेरे को, एक तो किया एक मैंने किया, बीच वाला एज अ मिडिल। तो जीतने का फायदा ही क्या हुआ, उनो खेलने का मतलब ही नहीं हुआ जब तुम ढंग से गेम नहीं खेले। तो यू वन मी, बीच वाला ड्रॉ। तो गाइस ये था हमारा आज का दिन, हमारा दिवाली का सेलिब्रेशन, और दिवाली और हमारे घर पे कुछ गेस्ट भी आए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो एक्चुअली नानू के फ्रेंड्स थे तो वो भी आए थे, तो वो आके जा चुके हैं। और हम ऐसे बस छोटे मोटे छोटे मोटे नॉक झोंक हमारे चलते रहते हैं, वो तो कॉमन है। और जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे उस दिन है बड़ी दिवाली, मतलब एग्जैक्ट दिवाली जो दिवाली है। तो गाइस विश यू अ हैप्पी हैप्पी दिवाली, बर्थडे बोल दो तुम। Guys, so guys, we wish you a very happy Diwali from our side to your family and friends, and of course to you. Say, जैसा बोला जाता है, say no to crackers, but ऐसा possible तो होता नहीं, हम भी crackers but हम जलाते हैं, but हम नहीं, मैं बताती हूँ, बजने वाले नहीं जलाते, हाँ हम light वाले जलाते, last होता है जिसमें वहाँ sound आता है ना crackers में, because हमारे पास खुद dog है, हमें पता है यार उनको कितनी problem होती है उस चीज़ से, तो हम actually हम फुलझड़ी जलाते हैं, अनार जलाते हैं, हम यही सब करते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। आप ही जलाओ यार, मना नहीं है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि से नो टू क्रैकल एंड ऑल, बट यार ट्राई करो कि लाइट वाले करो, एंड अब बहुत सारे बोलेंगे कि हाँ लाइट वाले तो पोल्यूशन होता है, थोड़ा सा कम करना चाहिए, कर लेते हैं यार थोड़ा बहुत, एंजॉय कर लेना चाहिए कभी कभी। और जैसे कि हमारे फ्रेंड्स तो है ही नहीं यहाँ पे इस बार, फैमिली भी नहीं है, और कोई भी नहीं है इस बार हमारे साथ, पर आप लोग तो है ना हमारे साथ। और हमें लग रहा था इस बार यशल्स भी आएंगे, पर उन्होंने हमें धोखा दे दिया, हमको देख रहे हैं वो व्लॉग देख रहे हैं, तो गाइस तुमने हमें धोखा दिया बहुत ज्यादा। ठीक है ऐसा कुछ नहीं, वो इतना पास भी नहीं रहते यार, वो पास में भी होते ना तो अपनी चीजें भी देखने दो यार। हाँ क्योंकि उनकी खुद की पर्सनल लाइफ है, वो कुछ काम में ज्यादा बिजी है, तो हम लोग ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, बट मैंने तो किया फिर भी फोर्स, पर वो नहीं आए। इट्स ओके एनीवेज, खुद की चीजें भी इम्पोर्टेंट होते हैं ना। हाँ बट ठीक है, कल हमें रंगोली बनानी है एंड पूरा टेंपल सजाना है, बनाना है, सब करना है, कल का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है आई गेस, और वो आपको पूरी तरीके से दिखेगा कि ये जितना भी आपको आज खाली जगह दिखी है ना वो पूरे कलरफुल में दिखेगी कल। सो गाइस हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, यहाँ कमेंट्स में आ जाने चाहिए सबके विशेष, हमें हैप्पी दिवाली क्योंकि आप समझ सकते हैं फैमिली के साथ नहीं रहते। आपके जो कुछ कमेंट्स आए ना कि हम कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, सो यस हम ट्राई करेंगे कि हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करें यार, समझा करो थोड़ा टाइम नहीं मिलता, बट हम सारे कमेंट्स लाइक तो करते हैं जितने भी हो सकता है, बट अब हम ट्राई करेंगे कि आपको कमेंट्स का रिप्लाई भी मिले। डेफिनेटली जिसको नहीं मिले यार पहले से सॉरी। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ईवी शर्मा, सोना डॉट नानू, आर बेबी जो अभी अंदर छुपा हुआ है क्रैकल की वजह से, ऑस्कर डायरीज, एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इतना सारा बोल दी है, कभी कभी बोल लेता हूँ।
ओके गाइस, बाय बाय। आई वी होप आपका दिवाली अच्छा जा रहा है, और हमारा तो जा ही रहा है घर में अकेले रह के। कोई बात नहीं, देख रही हूँ मैं आप लोग विश नहीं कर रहे हो, नीचे कमेंट में विश कर रहे हो। चलो हमें हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली टूडल्स। व्लॉग तो एंड हो चुका है, पर यहाँ सोने से पहले चंपी हो रही है मेरी नानो। अब तुम गुड नाइट बोल दो, टाइम हो रहा बेटा, 1:30 बज रहे हैं रात के। जब भी होके फिर सोएंगे ना बाबू। चलो बाय।